बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सावन में श्रद्धालु कर सकेंगे ऑनलाइन दर्शन। ये झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है अपना। सांसद निशिकांत दुबे ने की थी PIL दायर। संक्रमण के कारण श्रावणी मेले पर रोक बरकरार रहेगी। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया था कि कोरोना के चलते एहतियात बरतते हुए, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा, जिसके चलते सांसद निशिकांत दुबे ने PIL दायर की थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट का कहना है कि अब ऑनलाइन दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि ऑनलाइन दर्शन किए जा सकते हैं बाबा के, पूरी जानकारी क्या कुछ है चंदन? क्योंकि ये लाखों श्रद्धालुओं का भावना का सवाल था, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने ध्यान में रखते हुए एक श्रद्धालुओं के भावना को ठेस न पहुंचे इसके लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है। अगर मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में आज निशिकांत दुबे के याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्चुअल दर्शन का आदेश दिया है। वर्चुअल दर्शन यानी ऑनलाइन दर्शन आप कराए जाएंगे, शिव भक्तों को शिव जी का जो है वो ऑनलाइन दर्शन कराया जाएगा। इस मेले में तकरीबन 40 से 50 लाख श्रद्धालु जुटते हैं। इन सबका भावना का ख्याल रखना जरूरी समझा झारखंड हाईकोर्ट ने। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिए थे इस मामले पर, मेले का आयोजन करा के, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही है हाईकोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए भीड़ ना लगने को लेकर, मंदिर में भीड़ ना लगे इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन दर्शन का फैसला। चंदन, सांसद निशिकांत का यह भी कहना था, कल उन्होंने कहा था कि अगर श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को बाबा के प्रकोप को झेलना पड़ जाए। क्या कोरोना काल में इस तरह की बातें करना या सरकार का यह फैसला श्रावणी मेले को लेकर जो रद्द किया गया है उसका आयोजन किस तरह से देखा जाए और उनके बयान को भी? देखिए, अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो इसके कई मायने निकलते हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे अभी विपक्ष में है, कई तरह के जो है वो राजनीतिक के मतलब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना काल की अगर बात करें तो बिल्कुल इस तरीके का बयान जो है कहीं से उचित नहीं है। लेकिन इसे भी लाखों श्रद्धालुओं का जब बात आता है तो इसे भी समझना जरूरी है, जो कि एक उचित फैसला जो है, एक बहुत ही अच्छा निर्णय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया है। हालांकि अब इस पर झारखंड सरकार को और देवघर जिला प्रशासन को तय करना है कि जो वर्चुअल दर्शन होगा उसमें व्यवस्थाएं कैसी होगी, कहां कहां विभिन्न जगहों पे जो है LCD और LED की व्यवस्था की जाएगी, प्रोजेक्टर भी लगाए जाएंगे जिससे कई कई जगहों पर जो बाबा के दर्शन है वो कराए जा सके, ताकि किसी एक जगह, कोई पर्टिकुलर एक जगह पे भक्तों का जमावड़ा ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था जिला प्रशासन और झारखंड सरकार को मिलकर करना है। हालांकि अब जो इस फैसले में यह भी एक बात शामिल है कि शिवगंगा जो है, शिवगंगा में स्नान करने से भी भक्तों को रोक दिया गया है। जी के जी, शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।